दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। रीवा एसपी नवनीत भसीन ने जवा थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। थाना पहुंचे एसपी को सर्वप्रथम स्टाफ के साथ सलामी दी गई। इसके बाद उन्होंने थाना परिसर और कर्मचारियों के आवासीय कॉलोनी का निरीक्षण किया। थाने में पेयजल की समस्या को उन्होंने तत्काल दूर करने के निर्देश दिए हैं। यहां पर पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है, कर्मचारी सार्वजनिक हैंडपंप से पानी पीते हैं। इसके साथ ही उन्होंने थाना परिसर में ही पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए ताकि पीड़ितों को पानी मिल सके। एसपी ने थाने के लंबित अपराध मार्ग शिकायतों का काल निराकरण करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ये भी निर्देश दिया कि थाने में आने वाले पीड़ितों की शिकायतों का गंभीरता से सुना जाए और उनका निराकरण किया जाए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर दें, चोरी लूट के आरोपियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करें ताकि संपत्ति संबंधी अपराधों को रोका जा सके। थाने में जो भी मामले पेंडिंग हैं उनका त्वरित निराकरण करें। आवश्यक मामले पेंडिंग रह जाते हैं जिससे उनके विचारों में देरी होती है। इस दौरान एसडीओपी समरजीत सिंह और थाना प्रभारी भी मौजूद रहे।